बहुजन समाज पार्टी बीएसपी विधानसभा चुनाव के लिए ट्रांसजेंडर काजल नायक को चुनावी मैदान में उतारा है। 27 वर्षीय काजल नायक को टिकट दिया गया है। काजल सामाजिक कार्यकर्ता और ट्रांसजेंडर एसोसिएशन की अध्यक्ष हैं। काजल अपने समुदाय के अधिकारों के लिए आवाज उठाती रहती हैं। बहुजन समाज पार्टी हमेशा सबका साथ सबका विकास लेके चलती है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, जाति विशेष हो, अल्पसंख्यक हो, सभी का हमेशा बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। यह सिद्ध कर दिया है बहन कुमारी मायावती ने, क्योंकि उन्होंने दिया है ट्रांसजेंडर काजल को टिकट। बसपा की ओर से उम्मीदवार बनाए जाने पर काजल ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं, बसपा ने विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। मैंने बहुत से राजनीतिक दलों से संपर्क किया पर किसी ने मेरी बात को ध्यान नहीं दिया। बसपा को धन्यवाद कहते हुए काजल ने कहा कि मैं शुक्रगुजार हूं बहन कुमारी मायावती का, जिन्होंने मुझे बराबरी का सम्मान दिया और मुझे ही नहीं हमारे पूरे देश में एक इतिहास कायम करा है। काजल ने कहा कि मैं बहन कुमारी मायावती का जितना धन्यवाद करूं वो कम है, क्योंकि बसपा ने मेरे समुदाय पर विश्वास जताया है। हम और हमारे समुदाय के लोग जहां से भी हो वो बसपा को जिताने में पूरा साथ दें। काजल नायक ओडिशा की जयपुर जिले की रहने वाली हैं। वो काफी लंबे समय से जयपुर में ट्रांसजेंडर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। राजनीति की शुरुआत करने पर उन्होंने कहा कि समाज में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए काम करने को जो लेकर बहुत सारे मुद्दे हैं, ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ ही जनता से जुड़े मुद्दे उठाना उनकी प्रमुख उद्देश्य है। उड़ीसा विधानसभा चुनाव में ट्रांसजेंडर काजल को दिए जाने टिकट पर बसपा नेता कृष्ण कुमार ने पार्टी के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बसपा सामाजिक सशक्तिकरण के लिए सभी समुदाय के लोगों को विश्वास रखती है। कोई भी ट्रांसजेंडर समुदाय की बात नहीं करता, अगर ट्रांसजेंडर का विकास चाहते हैं तो हमें इनको मुख्य धारा से जोड़ना होगा। मालूम हो कि ओडिशा के में 144 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा चुनाव 2019 के साथ विधानसभा के साथ चुनाव कराए जाएंगे। राज्य में कुल 4 चरणों में वोट डाले जाएंगे।